कौन बनेगा देश की सबसे पुरानी पार्टी का अध्यक्ष? गांधी परिवार के सबसे करीबी का नाम सबसे आगे। कर्नाटक के दलित नेता मल्लिकार्जुन खड़गे रेस में शामिल। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के रेस से बाहर होते ही कई नामों की एंट्री हो चुकी है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए क्या चुनाव की नौबत आएगी, ये आज क्लियर हो जाएगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का शुक्रवार यानी आज का दिन आखिरी है। इस पद पर मल्लिकार्जुन खड़गे की एंट्री होते ही दिग्विजय सिंह ने अपनी दावेदारी वापस ले ली है। पार्टी के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नामांकन दाखिल कर दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और गांधी परिवार के भरोसेमंद खड़गे का नाम पहले भी चर्चा में था। खड़गे गांधी परिवार के सबसे करीबियों में से एक हैं। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए अब मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच मुकाबला होने की पूरी संभावना है। खड़गे के नाम के प्रस्ताव को लेकर जिस तरीके से कांग्रेसी नेता आगे आए हैं, उसके बाद उनकी जीत तय नजर आ रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे गांधी परिवार के भरोसेमंद माने जाते हैं, जिसको लेकर समय समय पर उन्होंने पार्टी की ओर से वफादारी का इनाम भी मिलता रहा है। नामांकन के आखिरी दिन सबसे अहम माने जा रहे मल्लिकार्जुन खड़गे की एंट्री हुई है। खड़गे राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं और गांधी परिवार के करीबी माने जाते हैं। उन्होंने छात्र नेता के तौर पर अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। वह संयुक्त मजदूर संघ के एक प्रभावशाली नेता थे, जिन्होंने मजदूरों को अधिकारियों के लिए किए गए कई आंदोलनों का नेतृत्व भी किया है। खड़गे का जन्म कर्नाटक के बीदर जिले के बारावत्ते इलाके में एक किसान परिवार में हुआ था। कर्नाटक के दलित समुदाय से ताल्लुक रखने वाले खड़गे का जन्म 21 जुलाई 1942 को तत्कालीन हैदराबाद स्टेट, जो कि अब कर्नाटक में है, वहां हुआ था। मनमोहन सिंह की सरकार में खड़गे रेल मंत्री और श्रम और रोजगार मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। साल 2014 में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने खड़गे को लोकसभा में नेता विपक्ष नियुक्त किया था। पिछले साल उन्हें राज्यसभा में नेता विपक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इससे पहले साल 1969 में उन्होंने कांग्रेस का हाथ थामा था। खड़गे ने 30 साल की उम्र में 1972 में सबसे पहले कर्नाटक विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। साल 2008 तक मल्लिकार्जुन खड़गे रिकॉर्ड 10 बार कर्नाटक से विधायक चुने जा चुके हैं। साल 2009 में खड़गे गुलबर्गा सीट से लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंच गए। साल 2005 से 2008 तक खड़गे कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। खड़गे स्कूली जीवन में कबड्डी, हॉकी और फुटबॉल के बेहतरीन खिलाड़ी भी रहे। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और सीपीएम नेता सीताराम येचुरी समेत कई विपक्ष नेताओं से उनके बेहद करीबी संबंध भी हैं। खड़गे ने वकालत की पढ़ाई भी की है और मजदूर यूनियन के नेता के तौर पर वह मजदूरों के लिए कानूनी लड़ाई भी लड़ चुके हैं। कांग्रेस के सीनियर नेता और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वो नेता भी हैं जिन्हें नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। वह नेशनल हेराल्ड से जुड़ी कंपनी यंग इंडिया के प्रिंसिपल ऑफिसर भी हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।